हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे सदाबहार के बारे में। यूँ तो सदाबहार की बहुत सारी वैरायटीज हमें मिलती हैं, लेकिन ये गुलाबी दिखने वाली देसी वैरायटी सदाबहार की हमें बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाती है और यह बीजों से बहुत आसानी से उगाई जा सकती है। अगर आप एक प्लांट कहीं भी लगा देते हैं तो वो अपने आप ही बहुत सारे बेबी प्लांट्स बना देता है, क्योंकि इसके बीज झड़ते हैं और उससे नए प्लांट बन जाते हैं। सदाबहार एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला पौधा है जो कि लगभग पूरे साल भर ही आपको फूल देता है। जैसा कि इसके नाम से भी हमें पता है, सदाबहार यानी कि सारी ऋतुओं में सारे मौसम में आसानी से दिखने वाला। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं, ये सदाबहार समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो विंटर में इसे कहीं ना कहीं थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो आप देखिए, सदाबहार का पौधा अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है, पर अभी इसके थोड़े से फ्लावर्स का साइज छोटा हो गया तो ये जा रहा है रेस्ट लेने, ताकि इस प्लांट को थोड़ा रेस्ट मिले और विंटर सीजन इसका थोड़ा रेस्टिंग पीरियड भी है। तो आज हम बात करेंगे कि सदाबहार को हम कैसे प्रून करें। वैसे तो हम इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग यानी कि हम ऊपर से हल्का हल्का प्लांट को कट करते हैं तो भी ये धीरे धीरे अपने आप को सही कर लेगा, लेकिन फिर भी अगर हम इसकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो ये समर सीजन में हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने वाला है और ये बहुत अच्छे से चलने वाला है। यह एक ऐसा पौधा है जिसे आप ज़मीन में लगाएंगे तो बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। आप इसे छोटे गमले में लगा सकते हैं, बड़े गमले में लगा सकते हैं, साथ साथ इसे आप एक छोटी सी बॉटल या कंटेनर में भी उगा सकते हैं। मैंने अपने यहाँ पर बॉटल्स में बहुत सारे सदाबहार उगाए हुए हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं, जिसमें सफ़ेद भी हैं और गुलाबी भी हैं। ये देखिए गुलाबी रंग, इसकी डिज़ाइन कितनी सुंदर है, मन को एकदम से इम्प्रेस कर लेते हैं ये सब। तो आज हम बात करेंगे कि सदाबहार की हम प्रूनिंग कब, क्यों और कैसे करें। जैसे कि हम देख रहे हैं, विंटर सीजन आ गया है, पतझड़ का सीज़न आ गया है। सदाबहार का पौधा वैसे तो हमें अभी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, लेकिन ये हमें समर में और भी अच्छे से फ्लावरिंग करे तो इसके लिए हम इस प्लांट को प्रून कर देंगे। प्रून हम इसे सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं और हार्ड प्रूनिंग भी। मैं तो अपने प्लांट की लेकिन आज हार्ड प्रूनिंग करने जा रही हूँ। देखिए अब ये धीरे धीरे जो अपने बर्ड्स हैं इनको आगे बढ़ाएगा और धीरे धीरे आगे करेगा। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी ब्रांच है हम उसको भी प्रून कर देंगे, और फिर जब समर सीजन आएगा यानी कि जनवरी में, ये हमें धीरे धीरे अपने आप को तैयार कर लेगा समर में फ्लावरिंग करने के लिए, ये बहुत अच्छे फूल देगा। इसको बहुत ज़्यादा खास देखभाल की ज़रूरत नहीं है, पर आप इसमें गोबर खाद मिलाइए और इससे साल भर फूल पाइए, बहुत सुंदर तरीके से इसमें फ्लावरिंग होती है। तो प्रूनिंग की बात करें तो अगर हम इसको प्रून कर देते हैं, जो प्लांट है हमारा ये नीचे से नए पफ निकाल रहा है, इसमें नई शूट्स निकल रही हैं आप देख सकते हैं, तो भी धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। और जो इसका फ्लावरिंग सीजन था जहाँ इसकी सारी एनर्जी लग रही थी, वहाँ पर अभी अपनी एनर्जी को नई सीज़न के लिए तैयार करेगा। तो सदाबहार से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।